आज जिला पठानकोट के एडीसी दफ्तर के बाहर मनरेगा कर्मचारियों की ओर से कलम छोड़ हड़ताल शुरू की गई व पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि वह आज से कई साल पहले कच्चे कर्मचारियों में भर्ती हुए थे, तब सरकार ने कहा था कि जल्द उन्हें पक्का कर दिया जाएगा, पर आज तक किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरा, उनकी सैलरी भी बहुत कम है जिससे उनके घर का गुजारा भी नहीं होता, पर सरकार है कि उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रही है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन अपने कामकाज बंद कर आज सरकार के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल करनी पड़ी है। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि अगर अब भी सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो वह सड़कों पर भी उतरेंगे। उधर DDPO से जब इस संबंधी बात की गई तो उन्होंने कहा कि मनरेगा कर्मचारियों की ओर से जो भी मांगे हैं वो उसको सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि इन समस्याओं का जल्द हल हो सके। जो हड़ताल चल रही है साढ़े ब्लाक विकास से पंचायत अफसर यूनियन एसोसीएशन वालों जी पंजाब भर में हड़ताल जी शुरू की गई है। कल तो 8 तरीक तो शुरू हुई है हड़ताल। इस जी हड़ताल है वह 6वें पे कमीशन संबंधी है। पंजाब सरकार वालों जो स्केल जारी किए गए हैं उस जी काफ़ी जरा नुकसान हो रहा मुलाजमान एसोसीएशन ने फैसला किया कि यदा जरा वा इस संबंधी जो भी सोध की जो भी सरकार ने जो भी मंगा की जा रही है। मनरेगा कर्मचारियों वालों जो हड़ताल की गई है इस संबंधी जो भी आ इन्हों मेमोरेंडम है वो जरा सरकार को भेज दिता गया है, तो इस संबंधी जरा वा सरकार वालों ही फैसला किया जा रहा है। हाँ जी, मैं पहले तो मैं ब्लॉक सुजानपुर CA का काम कर रही हूँ, तो मैं 11-12 साल हो गया इस नौकरी के। तुम पता कि अज के युग से जिनी सू तनखा मिल रही है सरकार वालों उस कोई गुजारा नहीं होंगे, तो असी कि धरना दिता बहुत बारी, जिनी बार 11-12 साल हो गए सू सरकार ने किन्नी बार लारे लाए हैं कि तू मिलेगा, पर सू कुछ नहीं मिले। तो साडा मेन मोटिव है कि सू पक्के रेगुलर करके पक्के किया जाए, सू पक्की जिनी सैलरी मिली जाए, तो असी तो बस सरकार को बार बार यही कहने कि साडा हक जो है सू मिलना चाहिए। तो असी ए चंडीगढ़ जाने भी तैयार आ, अं जिथे भी साड़ी कोई रैली होगी उत्थे जाने तैयार आ, अं इस चीज़ की कोई वो नहीं करा, पर अं सरकार अगे भी हूँ बेनती बहुत बारी कर चुके हैं, तो हूँ अं बिल्कुल मोढ़े ना मोढ़ा मिला के सारा स्टाफ कहना चाहते हैं कि सानू ये सरकार तक साड़ी गल पहुँचाई जाए कि अं सानू पक्का किया जाए, बस अं यही कहने। धन्यवाद। मेरा नाम जगवीर सिंह है, जिला प्रधान पठानकोट मनरेगा यूनियन। असी अज इतने इकट्ठे हुए हैं ADC ऑफिस पठानकोट विखे, जिमें कि स्टेट कमेटी का मतलब हुक्म है जो उन्होंने ऑर्डर कड़े है कि सारे पंजाब के जिन्हें भी कच्चे मुलाजम है मनरेगा के मुलाजम जिन्हें भी है उन्होंने रेगुलर कराने वास्ते सारे इकट्ठे हुए हैं। 2008 तो अं भर्ती हैं जी, तो उदों तो लैके अज तक देखो 12 साल हो गए, 12-13 साल भी चल गया, तो कोई साड़ी सरकार ने सुनवाई नहीं की। 12 साल बाद रूड़ी की भी सुनी जाती है, लेकिन मनरेगा मुलाजमान कोई नहीं हाथ पा रहा। इन्ना विकास किया पंजाब सरकार दावे करती है कि पंजाब का विकास हो रहा जो कि मनरेगा तहत हो रहा, पर मनरेगा मुलाजमान कोई आसरा नहीं दे रहे, उन्होंने मुलाजम नहीं समझा जा रहा। जो मुलाजम नहीं समझा जा रहा तो इन्ना काम किवें लै रहे हैं लोग? आम जे फैक्ट्रिया चाहे ज आम मुलाजम है 8-8 घंटे काम करते हैं, ये तो मुलाजम 12-12 घंटे कर रात को भी इन्हों काम करना, स्टोर चढ़ाने ज हर तरह का काम करना पैदा, अपने परिवार को ना देखते हुए अपने रिश्तेदारों को ना देखते हुए सिर्फ मनरेगा मनरेगा कर दिमाग छाई हुई है। सरकार के दिमाग से भी यही है, पर सरकार चाहती है कि बस इन्होंने को काम कराई शोषण कराई जा रही है। नवे मुंडे भर्ती हुए है वह भी इस वास्ते भर्ती हुए कि अं रेगुलर हो जाएंगे, पर जो उन्हें देखा कि ये जो पुराने मुलाजम 12-12 साल के कोई काम नहीं, इन्हों कोई रेगुलर नहीं किया गया, तो वो डबल माइंडड हो गए है, वो सोचते पे है कि मतलब अं कि पासे आ गए हैं। अज आप जरा कलम छोड़ो हड़ताल है वो ADC ऑफिस विखे किया है, सारे मुलाजम इकट्ठे करके जिन्हें 6 ब्लॉक इकट्ठे हुए हैं अज इतने उन्होंने जी हड़ताल के संबंध में सारे इकट्ठे हुए है। देखो जी जे मंगा नहीं पूरी हुई इस बार आर पार की लड़ाई है, जे नहीं कुछ होया तो जो भी पापड़ मिलने पे या जो भी अगली कार्रवाई करनी पे तो करांगे जी।